बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है एआर सिद्दीकी और ये हमारी सीरीज़ चल रही है एंगुलर फॉर वीडियो लर्निंग सीरीज़। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में टाइप स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा था, आज हम जानेंगे कि नोड जेएस क्या होता है और इसे किसने बनाया है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि नोड जेएस, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नोड जेएस की डेफिनेशन क्या है। Node.js is a very powerful JavaScript-based framework platform built on Google Chrome JavaScript V8 engine. It is used to develop IO-intensive web applications like video streaming sites, single-page applications, and other web applications. Node.js is open source, completely free, and used by thousands of developers around the world. Node.js एक बहुत ज़्यादा पावरफुल जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क या इसे हम प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं। Node.js बनाया है गूगल क्रोम ने और किस टेक्नोलॉजी पे बनाया है, जावास्क्रिप्ट V8 इंजन पे से बनाया है। Node.js को यूज़ क्यों किया जाता है, Node.js को हम किस लिए यूज़ करते हैं। Node.js जो यूज़ किया जाता है वो इंटेंसिव वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए, वेब एप्लीकेशंस लाइक स्ट्रीमिंग साइट्स जहाँ पे मतलब वीडियो स्ट्रीमिंग होती है या जो हमारे टीवी चैनल्स हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, सिंगल पेज एप्लीकेशन को हम स्पास भी कह सकते हैं। ये ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे जो पेज है वो हमारा लोड नहीं होता, जहाँ पे पोस्टबैक नहीं होता, बफरिंग नहीं होती, इस तरह की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो हम Node.js पे डिज़ाइन कर सकते हैं। Node.js जो है वो कम्प्लीटली ओपन सोर्स है और कम्प्लीटली फ्री है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं Node.js.org से और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, Node.js जो बना है वो V8 इंजन पे बना है, तो हम V8 इंजन के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लें ताकि हमें आइडिया हो जाए V8 इंजन क्या है। V8 इंजन इज़ अ गूगल्स ओपन सोर्स हाई परफॉर्मेंस जावास्क्रिप्ट इंजन रिटन इन C++ लैंग्वेज यूज्ड इन गूगल क्रोम। तो V8 इंजन क्या है, ओपन सोर्स हाई परफॉर्मेंस जावास्क्रिप्ट इंजन है और ये किस में लिखा गया है, C++ लैंग्वेजेस में यूज़ की गई है और यूज़ कौन करता है, गूगल क्रोम करता है। तो बताने का मकसद ये है कि जो Node.js है वो गूगल क्रोम ने बनाया है। अब हम देखेंगे कि हम Node.js को कहाँ से जो है डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे आना है और गूगल पे आके राइट करना है Node.js.org। देखें Node.js.org आ गया, पहली वेबसाइट यही है, आपने यहाँ इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास ये ओपन हो जाएगा, आपने यहाँ से जो है डाउनलोड कर लेना है। ये यहाँ पे क्लिक कर दें आप, तो यहाँ पे आपको वर्जन्स मिल जाएंगे विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं जो है हमारा 32-bit या 64-bit में जो है Node.js सर्वर। आई होप आपको Node.js के बारे में समझ में आया होगा कि Node.js क्या है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में Node.js को इंस्टॉल करके देखेंगे और जो है एक एंगुलर का सेटअप भी इंशाल्लाह हम करके देखेंगे।